हकीम के पास उपचार के लिए जा रहे हैं तो संभल जाइए, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। प्रदेश में एलोपैथी उपचार की स्वीकृति केवल MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर को ही है। कोई बगैर डिग्रीधारी झोला छाप इलाज का दावा कर रहा है तो वह बेशक जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब तक सर्दी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी के प्रकरणों में उपचार देने वाले ये झोला छाप अब सर्जरी तक करने लग गए हैं। रोचक बात तो यह है कि कलेक्टर ने एक साल पहले दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, मगर कलेक्टर बदल गए लेकिन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं झोला छाप डॉक्टरों का लालच इतना है कि मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए सीरिंज भी नहीं बदलते। 3 रुपए की मद का सीरिंज दर्जनों मरीजों पर उपयोग में ले लेते हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग हाथ पैर में जकड़न व कमजोरी की शिकायत लेकर जाते हैं तो उन्हें ताकत बढ़ाने का झांसा देते हुए ड्रिप चढ़ाकर 300 रुपए 400 रुपए वसूल लेते हैं। ऐसा मामला परबसर पंचायत समिति के बेदियात गांव व डिडवाना पंचायत समिति के निमोद गांव में देखने को मिला। ग्राम रिपोर्ट के अनुसार निमोद गांव के मुख्य बाजार में क्लिनिक खोलकर बैठे झोला छाप अमितोष हालदार पुत्र रोबिन हालदार ने बताया कि वह 22 वर्षों से काम कर रहा है तथा अब तक 5,500 लोगों को बवासीर का उपचार दे चुका है। उसके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस की डिग्री नहीं है तथा सरकार की नजर में वह गलत है, परंतु उपचार मिलने से ग्रामीण उससे संतुष्ट है। उसने बताया कि अगर कोई केस बिगड़ जाता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर मामला सुलटा भी लेता हूं। इसके साथ ही जब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। अमितोष ने यह भी बताया कि वह बवासीर व मस्सी का उपचार 1 माह तक चलता है, जिससे वह प्रति मरीज 7,000 से 10,000 रुपए चार्ज करता है। उसने ये भी खुलासा कर बताया कि कभी चिकित्सक का विभाग में कोई जांच के नाम पर आता है तो उसे संतुष्ट कर भेज देता हूँ। विद्यत गांव के मुख्य बाजार में क्लिनिक खोलकर बैठे 52 वर्षीय झोला छाप समीर विश्वास इतना बेखौफ है कि एक ही सिरिंज को दर्जनों मरीजों पर काम में ले लेता है। एक सिरिंज 3 रुपए की आती है, परंतु लालच इतना कि सिरिंज बदलने नहीं है। उनकी नजर में इंसान की वैल्यू 3 रुपए भी नहीं है। ऐसे में वह बीमारी ठीक करने की बजाय एड्स से हेपेटाइटिस सहित अन्य संक्रमित बीमारियों का फैलाने का काम भी कर रहा है। उसके क्लिनिक पर स्टेराइड दवाओं सहित एलोपैथी दवाओं का बड़ा स्टॉक भी पड़ा मिला। झोला छाप समीर ने बताया कि उसने पूरी जिंदगी बेदियात में निकाल दी है तथा गांव वाले भी उससे खुश हैं। बेदियात में 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है तथा अब तक सैकड़ों लोगों के बवासीर मस्से का उपचार कर चुका है। BCMO राजाराम ने बताया कि जिले में झोला छाप को सबसे पहले मैंने ही सजा दिलवाई है। निमोद में अमितोष की क्लिनिक की उन्हें जानकारी नहीं है, फिर भी मौके पर जाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। झोला छाप को कृत्य जनता की जान के साथ खिलवाड़ है।